हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वेलांगरी में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन। वेलांगरी स्थानीय कस्बे में बालदा रोड पर श्री रोकड़िया हनुमान जानकी गौशाला में ब्रह्मालीन गौरी श्री जानकी दास जी महंत की कृपा से गौ सेवार्थ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री रोकड़िया हनुमान जानकी गौशाला समिति के तत्वावधान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गुरुवार 9 दिसंबर से किया जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के समापन दिवस में महंत देवानंद सरस्वती, महंत तुलसीदास नवलखी आश्रम विदिशा मध्य प्रदेश का सानिध्य रहा। श्रीमद् भागवत कथा में व्यास पीठ से संत कृपाराम महाराज द्वारा प्रातः कालीन योग सत्र, दैनिक यज्ञ व महाराज जी द्वारा गौ पूजन के साथ हुई सानंद विराम, सभी हरि भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। श्रीमद् भागवत कथा समापन दिवस पर सुदूर क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की हाजिरी से पंडाल के साथ पूरा गांव भक्तिमय हो गया। श्रीमद् भागवत कथा समापन दिवस पर सुदूर क्षेत्रों से श्रद्धालुओं की हाजिरी से पंडाल के साथ पूरा गांव भक्तिमय हो गया। श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर महाप्रसादी के लाभार्थी सोमबाई खासी नगर परिवार रहा। श्रीमद् भागवत कथा के समापन में छैल सिंह देवड़ा अध्यक्ष श्री रोकड़िया हनुमान जानकी गौशाला, मोहन भाई रावल असावा, हिम्मत सिंह देवड़ा बालदा, छैल बिहारी परिहार जालोर, भवरलाल पुरोहित, रघुभाई माली सिरोही, लुम्बाराम चौधरी जिला परिषद सदस्य नरेश देवासी, बहराराम माली बालदा, कनकराज माली बालदा, हितेश व्यास, गणपत सिंह देवड़ा, गौ सेवक मोती सिंह कालंडरी, डायालाल माली, कर्मीराम देवासी, जेताराम देवासी, राहुल ठाकुर, जीतू वैष्णव, भीख सिंह परमार, भीख सिंह देवड़ा, कमलेश वैष्णव, जगदीश पुरोहित, अर्जुन सिंह देवड़ा सहित कई भक्तजन उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के वेलांगरी से ईश्वर राज पुरोहित की रिपोर्ट।